अब एक नजर डालते हैं कोरपना तालुका की ओर से। कोरपना तालुका प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से संचार बंदी के दौरान जरूरतमंदों को अन्न धान्य का वितरण किया गया। इस समय कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संचार बंदी लागू होने से सर्वसामान्य जनता के साथ दैनिक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले नागरिकों के ऊपर जीवन जीना एक चुनौतीपूर्ण हो चुका है और ऐसे में अनेक परोपकारी लोग सामने आकर परमार्थ यानी परमात्मा का कार्य कर रहे हैं और वहीं इस मौके पर विभिन्न संगठन भी मदद कर रही हैं और ऐसे मौके पर कोरपना तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को जीवन आवश्यक धान्य तथा किराना वस्तुओं का वितरण किया गया और ये वितरण नांदा पार्टी धामन गांव में किया गया। इस मौके पर शिक्षक संगठन के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे, सचिव कैलाश मस्के, कोषाध्यक्ष महादेव मुनावत, सचिव गोविंद गुप्ता, सलाहकार विलास कोतपल्लीवार, वसंत गोरे, घनश्याम बाजभाई आदि उपस्थित थे। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि गणेश लोंडे की रिपोर्ट। ये एक जागतिक आपदा है आणि या कोरोना या लढाईत त्या कोरोनाला हरविण्यासाठी आपण सर्व लढा देत आहोत। आपले गरीब बांधव सुद्धा लढा देत आहे, त्यांना ह्या लढा देताना खूप अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। तरी आम्ही एक कुठेतरी सामाजिक जे ऋण आहे ते फेडण्याच्या उद्देशाने अखिल कोरपणा तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ यांनी फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून यांना आम्ही आपल्या परीने सहकार्य करत आहोत आणि आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की हा जो उपक्रम राबवण्यासाठी आमच्या अखिल कोरपणा तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ या संघटनेच्या सर्व सभासदांनी जे मोलाचं सहकार्य दिलं ते सहकार्य त्यांचं सदोदित लाभत राहील, त्याबद्दल मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो। सध्या आम्ही आजच्या घडीला 65 किट वाटप करत आहोत।